पॉइंट कितना था? 0.46। 8.5 नहीं, ये तो थर्ड का था, फिफ्थ का तो क्या था? फिफ्थ का 0.54। सर पहले -1.51 है, फिर -1.51 है, 1.51 ना? यस सर, -1.5 मैं बोला सर, कुछ उल्टा हो गया है। ये इसका 1.51 है। यस सर ये याद होना चाहिए, इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये याद होना चाहिए। ये याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें सीधे हो जाएंगे, अगर आईटी एडवांस के क्वेश्चन उठाओगे तुरंत हो जाएंगे। तो यहाँ -1.51 किया था और ये 0.85 ना? यस सर। ये कितना था? सर 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे था, ये एनर्जी थी एटॉमिक। एक बात तो समझ में आ गई कि एटॉमिक लेवल पर जो एनर्जीज होती हैं उनका रेंज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ये तो समझ में आ गया कि नहीं? मैं जो तुम्हें दिख रहा है एटॉमिक लेवल पर जो ऑर्डर होता है एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। मतलब बहुत कम एनर्जी होती है ना, 1.6 की बाय। अरे हाँ, बहुत कम। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को देखें तो वो भी नेगेटिव में, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ये है कि वो बाउंड स्टेट में है। मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बाउंड है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बाउंड है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब बाउंड स्टेट है, मतलब इससे बंधा हुआ है, इसके चारों तरफ। हाँ, अगर मैं इसकी एनर्जी को जीरो कर दूं, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जीरो या जीरो से ज्यादा कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के मुक्त हो जाता, फ्री हो जाता है, और हम कहते हैं कि ये आयोनाइज हो गया एटम। तो अगर हम टोटल एनर्जी, मतलब इसको जीरो करना है तो +13.6 ऐड कर दें तो ये यहां से हट जाएगा और अपने एटम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। समझ गए बात को? यस सर। तो अब हम ये बात करते हैं कि अगर किसी भी, अगर एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाता है, मान लो एक लेवल में, जैसे मान लो nth लेवल में है एनर्जी या n1 लेवल में है, एक इलेक्ट्रॉन इनिशियली n1 लेवल में है, n1, तो उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² / n² बोलो। yes, n1 square। और जब वो मान लो उसका वो एक्साइट करके ऊपर जाता है या नीचे आता है, मतलब n2 लेवल में आ गए, n2 लेवल में, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या z² / n2²। तो इसका डिफरेंस अगर मैं निकालूं, इनके एनर्जी का डिफरेंस निकालूं, दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस निकालूं, मतलब e1 - e2 का डिफरेंस निकालूं, तो डिफरेंस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जेड स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 / n1² - 1 / n2² ये आ गया। और जो डिफरेंस है, जितना दोनों लेवल्स का जो डिफरेंस है, या तो उतनी एनर्जी वो गेन करेगा या एक ऐसी लाइट निकालेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट्स में, थर्ड बोर्स का थर्ड रूल क्या है? When an electron gets transition from one level to the other, it either absorbs or emits electromagnetic radiations। बात समझे कि नहीं? अगर उसको हायर स्टेट में जाना है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्यों? और अगर नीचे आएगा तो लाइट एमिट करेगा। ये बड़ी सीधी बात है, क्यों बच्चों? यस सर। ये डेल्टा ई जो है ये क्या है? आइदर दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब्ड रिलीज्ड ये है। और क्योंकि ये लाइट के फॉर्म में करेगा तो लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको एच न्यू से लिखा जाता है, तो इसकी जगह हम एच न्यू लिख सकते हैं, और न्यू होता है 1c/λ, तो इसको लिखा जा सकता है hc/λ = 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. किसी को डाउट यहां तक? No, sir. अब इसमें 1 by lambda अगर एक तरफ रखें और h और c 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एच सी एक तरफ कर दिया जाए तो z square यहां बचा और यहां क्या बचा है? 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ये सारा एक कांस्टेंट ही तो है बच्चों. Yes, sir. इसकी वैल्यू अगर निकालें तो एक कितना आता है? रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं. Yes, कितना होता है उसकी वैल्यू? ये अगर 109678 यस सर, वही उतना मीटर में. मीटर ही तो है ऐसा यूनिट. यस सर. और सर हम पूरा बोल दिए सर. एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखे. हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो. नहीं चाहे जिसमें रखो यार वो पर मीटर में आएगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मीटर में कन्वर्ट करोगे. जैसे इसको इसको सॉल्व करो. अगर कैसे सॉल्व करोगे देखो. अगर इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करो मतलब इसको 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई कितना होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8. ये अगर सॉल्व करो ना, ये सारी वैल्यू सॉल्व कर लो तो कितना आएगा पता है? जो ये बता रहा है कितना बता रहा था सर? 1.09 × 10^7 आएगा सर. और उसको टोटल लिखिएगा तो सर 109678 आएगा सर. 1.09 × 10^7 आएगा शायद. यस सर. हाँ हम भी वही बोले. आप 1.6 × 10^-19 बाद में मल्टीप्लाई किए ना, पहले कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर मीटर में आ रही. नहीं नहीं कितना लिखूं ये सब कहानी नहीं. हमें ये कितना 10^7 लिखिए पर मीटर. बस खत्म. बस सर ये बात हो गई. यस सर पर मीटर. ठीक है कि नहीं बोलो ये सब कुछ. तो हमें ये चीज याद रखनी है. अब ये सब वहां कैलकुलेशन का टाइम नहीं मिलेगा और इस कैलकुलेशन में किसी का एप्टीट्यूड भी बहुत चेक नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर कर देगा ना. इस वैल्यू को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं. आर से लिखते हैं ये जो वैल्यू है. आर कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? रिडबर्ग कांस्टेंट. तो अगर मैं इसकी जगह आर लिख दूं तो फॉर्मूला क्या बन गया कि 1 by lambda is equal to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. बना कि नहीं बना बोलो. यस सर. ये फॉर्मूला बच्चों को याद होता है, मतलब तुम्हें भी याद होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. क्या निकालने के लिए? इसमें लेमडा क्या है? लेमडा वेवलेंथ. किसकी वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी. आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यू टू क्या? चेंज इन ट्रांजिशन स्टेट. इंटर ऑर्बिट ट्रांजिशन ना. ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम में. क्या है हाइड्रोजन लाइक? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम. हाइड्रोजन लाइक एटम ऐसे ही उस जिसके लिए सही है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो उन एटम्स के लिए फॉर्मूला सही है. बोलो. तो आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू कितनी होती है ये याद रखने से ज्यादा जरूरी है कि 1 बाई आर की वैल्यू याद रखें जो लगभग 91.9 नैनोमीटर 913 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है. यस सर. उतना ही 1 बाई आर अगर याद रख लो तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि 1 बाई आर ही अभी आएगा यूज. आर नहीं आएगा. रिडबर्ग कांस्टेंट का इनवर्स इतना होता है लगभग 913 एंगस्ट्रॉम. समझे कि नहीं? हमारे पास फार्मूला क्या आ गया है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो
उसमें एक फॉर्मूला ऐसा है जिससे हम निकाल सकते हैं कि कितने वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट? ये वो फार्मूला है जो ये बताने जा रहा है कि कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू द अदर। समझ पा रहे हो बच्चों? अब इसमें पहली बात ये है कि अगर मैं एन वन को फिक्स कर दूं, मान लो एन वन को फिक्स कर दूं, एन वन को वन ले लूं, एन टू एन के वन के ऊपर ही तो उसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब ये है कि अगर मैं एन टू से एन वन में कोई चीज आए, मान लो एन के ऊपर से कोई चीज यहां पर ट्रांजिशन होता है, मेरी बात समझे कि नहीं? एन टू मान लो मैंने ले लिया वन से ज्यादा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एन टू इसको कह दिया जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक चीज और अच्छे से लिख सकते हो इसको, अगर थोड़ा कंफ्यूजन मिटाना है ना, तो इसको वन और टू के बजाय एन और एम लिख दो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। टू से कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एम स्क्वायर, ठीक है ना? इनिशियल फाइनल लगा दे अगर आई और एफ नीचे। हाँ, इनिशियल फाइनल में कंफ्यूजन हो सकता है, उससे बढ़िया एन और एम एम कर देते हैं बस, ठीक है ना? ये है। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन m ग्रेटर देन वन से n इज इक्वल टू वन में आ रहा है, मतलब टू से वन में आ रहा है, थ्री से वन में आ रहा है, फोर से वन में आ रहा है, कहीं से वन में आए, कहीं से वन में आए, तो इस कारण से वन बाय लेमडा कितना होगा r। अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाए, हाइड्रोजन एटम की, तो z वन हो गया एटॉमिक नंबर, तो ये क्या हो गया, वन माइनस वन बाई वन स्क्वायर माइनस, अगर मान लो सेकंड से आ रहा है, मान लो सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो वन माइनस वन बाई टू स्क्वायर मतलब फोर। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो कितनी रेडिएशन निकालेगा, ये हम निकाल सकते हैं, थ्री बाई फोर इंटू आर। उल्टा कर दें, इन्वर्स करेंगे तो 4/3 हो जाएगा और यहां पर 1/r हो जाएगा। तो हमें जरूरत r की नहीं पड़ी, 1/r की पड़ी, बार बार 1/r की जरूरत पड़ेगी। तो 4/3 इंटू 913 सर, 1216 आएगा अराउंड इसका आंसर। 1216, यस सर, एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो उससे जो लाइट निकलेगी उस लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी? नहीं थी अभी 1216, उस लाइट की वेवलेंथ 1216 हो जाएगी। ऐसे समझ गए सारे बच्चे? समझ गए? हाँ, यस सर। 1216 विजिबल है कि अल्ट्रावायलेट है कि इंफ्रारेड है? वायलेट विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम जानते हो सारे बच्चे कहां से कहां तक होता है, कितने फ्रीक्वेंसी से कितने वेवलेंथ तक, कितने वेवलेंथ से कितने वेवलेंथ तक हम देख पाते हैं? सर 300 से कुछ 950 है, 460 नैनोमीटर से, ये 400 मतलब ऐसा क्लियर कट डिवीजन नहीं है, इतने एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 7600 शायद कुछ ऐसा है ना? यस सर, यस सर, लगभग ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। इतना आने के बाद हमारी जो रॉड्स और कून्स हैं वो रेस्पॉन्ड करने शुरू कर देती है, विजिबल स्पेक्ट्रम है और हमें लाइट का आभास होने लगता है, ठीक है ना? तो ये किसका है? ये वायलेट का है, वेवलेंथ, और रेड का है। तो वायलेट से कम अगर है तो उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, रेड से ज्यादा है तो उसको इंफ्रा रेड कहते हैं। तो ये जो वेवलेंथ तुम्हें दिख रही है वायलेट से कम है ना? अरे बोलो सर, अल्ट्रा वायलेट है ये। हाँ, फार अवे इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, काफी दूर है ऐसा दिख रहा है।
तो हमने ये निकाला कि अगर हाइड्रोजन एटम में सेकेंड ऑर्बिट्स में कोई सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट ऑर्बिट में उसका ट्रांजिशन होता है तो लगभग 1216 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकलती है। ठीक है, ऐसे ही ये बताओ कि कहाँ से आए कि मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट निकले, कहाँ से आए, किसमें से किसमें आए? इनफाइनाइट से अगर आए, यस सर, मान लो हम लोग देखना चाहते हैं, ये तो फॉर्मूला है, इसको लिख लिया है, ये फॉर्मूला है, मान लो हम इसी का एक और देखना चाहते हैं, इसी फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट केस में मान लो एम इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट से एन इज इक्वल टू वन में बहुत ऊपर से, बहुत हायर लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस केस में 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड वन है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो उस केस में 1/लैम्डा आर आ गया, तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आ गया, मैक्सिमम की मिनिमम, सब मिनिमम 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 होगा सर। ये मिनिमम आ गया 913 एंगस्ट्रॉम लगभग। इसका मतलब ये है, ये मैक्सिमम था 1216। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइट, कोई हाइड्रोजन एटम के लिए कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, कहीं से आता मुझे नहीं पता, फर्स्ट में आता है, कहां से आता है, वन से ऊपर से कहीं से आता है, तो इस प्रोसीजर में, इस प्रोसेस में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन्वॉल्व है वो कम से कम शुरुआत कहां से होगी, 913 एंगस्ट्रॉम से शुरुआत होगी और 1216 तक खत्म हो जाएगी। ये बात जान पाए कि नहीं बच्चों? यस सर, जो ये जो कलर्स आएंगे, बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, इसको हम क्या, कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लाइमन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज है कि वन में आए कहीं से आए, वन में आए कहीं से आए, चाहे टू से आए, चाहे थ्री से आए, कि नहीं, थ्री से आए और चाहे फोर से आए, चाहे फिफ्थ से आए, चाहे चाहे इन्फिनिटी इनफिनिटी से से आए। आए, चाहे इनफाइनाइट से आए, कहीं से आए, इसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट में ही रहेगी। बोलो, ये जो वेवलेंथ है ये किसमें है, अल्ट्रावायलेट है, और इस प्रकार के जो कलर्स हैं उनका नाम है लाइमन सीरीज। क्या नाम है, लाइमन सीरीज। ये बच्चे जान पाए क्या है ये चीज, यस लाइमन सर, सीरीज। लाइमन सीरीज ऐसा कुछ नहीं, ये क्या है कि सीरीज ऑफ कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स स्पेक्ट्रम है, जो कब निकलते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है हाइड्रोजन एटम के, कहां से, कहीं से, इसके ऊपर से कहीं से आए, तो सर एक सीरीज निकलेगी, मतलब देर आर स्पेसिफिक कलर्स, कंटिन्यूअस कलर्स नहीं है ना, या तो ये वाला कलर या तो ये वाला कलर, सब कलर नहीं निकलेगा। अरे बोलो बच्चों, क्वांटाइज्ड है ना कलर्स, या तो ये कलर आएगा या तो ये कलर होगा, कंटिन्यूअस कलरिंग नहीं होगी। जैसे अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो कई बार जब तुम कंप्यूटर में देखते हो तो एक कंटिन्यूअस वो दिखाते हैं कलर्स, जैसे कलर्स बनाना हो कलर तो कंप्यूटर में बनाते हैं ना, उसमें कंटिन्यूअस रहता है येलो और यस ग्रीन, सर, वो इधर उधर खिसका करके हम उसको ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ये दिखा है, देखा कि नहीं, यस सर, प्रिंट में देखा है। तो वो कंटिन्यूटी में है, यहाँ स्पेक्ट्रम है बिल्कुल एक-एक करके। ऐसे ही हम लोग इस फॉर्मूले को फिर से यूज करने जा रहे हैं, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। मान लो n बराबर 2 हो और m बराबर 2 से ज्यादा हो, अब कोई हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 2 के ऊपर कहीं हो, 3 में हो, 2 में आए, 4 से 2 में आए, 5 से 2 में आए, 6 से 2 में आए, कहीं से 2 में आए, तो उस समय मान लेते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 से 2 में आ रहा है, तो 1/लैम्डा क्या होगा, जल्दी बोलो।
आर हाइड्रोजन एटम है तो जेड वन, वन का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9, तो यहां से 1/λ कितना आ गया, आर 5/36, 36. तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा कितना आ गया, 36/5 इंटू 1/r, दैट इज 913 लगभग। ये वैल्यू चेक करके बताओ कि लगभग कितना आएगा, ये मैक्सिमम है ना, लैम्डा मैक्स कितना आएगा लगभग। अरे कितना आएगा नहीं बता पाए, एक बार का 6573 लगभग, 6573 लगभग, लगभग ये लैम्डा मैक्स आ गया। ऐसे ही अगर हमें लैम्डा मिनिमम निकालना है, तो अगर हम एम इन्फिनिटी कर दें, इन्फाइनाइट से एन इज इक्वल टू में आ रहा है, तो यहां से लैम्डा जो निकलेगा वो मिनिमम निकलेगा, कितना होगा, आर वन जेड स्क्वायर, जेड इज वन किस में आ रहा है, टू में आ रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/∞, तो लैम्डा मिनिमम कितना होगा, इनवर्स कर दें तो ये आ जाएगा 4 × 1/r, लगभग कितना, 36-52। यस सर, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में कहां से कहीं से किसमें आए, टू में आए, कहीं से, चाहे 3 से 2 में आ जाए, या 4 से 2 में आ जाए, या फाइव 5 से 2 में आ जाए, या 6 से 2 में आए, कहीं से आए, तो ये जो कलर्स इसमें निकल रहे हैं, इसमें इनमें सबसे कम कलर कितने एंगस्ट्रॉम का निकलेगा, सबसे कम वेवलेंथ। अरे क्या रेंज आई थी भाई इसकी, सर 3652 फाइव एंगस्ट्रॉम, टू से लेकर के 3652 से लेकर के और 6573 तक आई, 3652 से लेकर के और 6573 इस कलर की लाइट्स निकलेंगी। जब कोई हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आए, टू में आए, टू के ऊपर से कहीं भी, और ये जो लाइट आपको मिलेगी इसको क्या क्या नाम दिया गया, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। सीरीज। ऐसे ही निकाल सकते हो, इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, इसमें कुछ पार्ट इसे कुछ तो अल्ट्रावायलेट है और कुछ विजिबल है, जैसे यस 36 4600 4600 अंगस्ट्रॉम से ये विजिबल, तो पार्टली इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ये बहुत बार पूछा गया है कि लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट और पी फंड इन सब सीरीज में कौन सी सीरीज किसमें है, पार्टली विजिबल स्पेक्ट्रम में है, तो विजिबल सीरीज इसमें है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम विजिबल है ना, ये कुछ ये यस दिख जाएगी, समझे कि नहीं। तो अब सर, बाकी तुम लोग याद कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, लाइमन सीरीज, लाइमर बामर और पाश्चन पी ब्रैकेट फंड फंड इसमें n इज इक्वल टू 1 में आए, कहां से आए, कहीं से आए, यहां पर n इज इक्वल टू 2 में आए, कहां से आए, इसके ऊपर से कहीं में आए, यहां पर n इज इक्वल टू 3 में आए, कहां से आए, 3 के ऊपर से कहीं से आए, यहां n इज इक्वल टू 4 में आए, कहां से आए, 4 के ऊपर से कहीं में आए, और ऐसे n इज इक्वल टू 5 में आए, कहीं से आए। तो इस प्रकार के डिफरेंट कलर्स तुम्हें मिलेंगे जो सीरीज है, वो आपको ध्यान में रखना है, कम से कम मैक्सिमम और मिनिमम ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली, वो
चाहे बोर्ड में पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम, किसी भी पूछ रहे हैं, कोई उठा लेंगे इसमें से और पूछ लेंगे कि भाई मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ बताओ, तो क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाए छोड़ दोगे तुम लोग? नहीं सर, डिराइव कर लेंगे। कम से कम इन दोनों का तो याद ही कर लो, हो सकता सीधा आ जाए। इसमें कितना था लाइमन का मैक्सिमम? 12-16 क्या? यस सर, 12-16। और ये 9-13। 13। और इसमें कितना आया था? 7-6 मैक्सिमम। सर 6573। 6573, 6573 ये मैक्सिमम है, और मिनिमम कितना था? 3652। इतना अगर याद है तो हो सकता है इसी में से दो में से कुछ आ जाएगा कि कौन सा है। अरे ट्वेल्थ वाले बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं, कौन कौन है ट्वेल्थ में भी? समझ गया सर। आदित्य, अनमोल, समझ पाए बात? अनमोल, यस सर समझ गया, यस सर। और कौन है इसमें? श्लोक कहाँ गया? श्लोक नहीं है क्या? श्लोक, मिहिर, समर? हाँ सर। जान पाए? हाँ। सुचिता? यस सर, समझ गए। और ये कहाँ चले गए सब? आए तो थे, ये कहाँ चले जाते हैं, कौन सा काम है? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन कौन सा सर? क्वेश्चन लिखो एक। A gas of hydrogen-like atoms. A gas of hydrogen-like atoms can absorb radiation. Can absorb radiation. Radiations of 68 electron volt. Radiation of 68 electron volt. एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट को एब्जॉर्ब किया। ये बात लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? Yes, sir. A gas of hydrogen like atom atoms can absorb radiations of 68 electron volts. Thereafter, the atoms emit radiations of only three different wavelengths. The atoms emit radiations of only three different wavelengths. All the wavelengths are equal or smaller than that of the absorbed photon. All the wavelengths are equal or smaller than that of the absorbed photon. बात समझी कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Determine the initial state of the gas atoms. Determine the initial state of the gas atoms.
बोलो एंड आइडेंटिफाई द गैस एटम्स. सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं बाप? आइडेंटिफाई द डिटरमाइन द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम्स, ऑल्सो आइडेंटिफाई द गैस एटम्स. क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर. ये बात समझ लो, ट्वेल्थ वाले बच्चे प्रायोरिटी में रहेंगे, वो सबसे पहले बताएंगे. मैं क्वेश्चन क्या है समझा देता हूं कि लिखा हुआ है. क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैन एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देयर आफ्टर दे एमिट रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन्स emit radiations, electron atom emit radiations. क्या मैंने कहा था कहां से? less than or equal to, क्या बोला था? less than or equal to than that of the absorbed photons. less than or equal to, or equal to energy of absorb photons. नहीं, wavelength की energy क्या था? यही था. Thereafter the atoms emit radiations of only three different wavelengths. All the wavelengths are equal or smaller than that of the wavelength. Wavelength की बात की गई थी ना? Yes sir. Emit radiations of three wavelengths ना? Yes sir. Three different wavelengths. All wavelengths either क्या less than or equal to ना? Yes sir, less than or equal to. Equal to क्या? Wavelength of sir than that of the absorbed photon. ऐसे लिखा था. Wavelength of absorbed photon determine the initial state of the gaseous atom. कौन बताएगा मुझे? और कौन सा गैस है, किस गैस के बारे में बात हो रही है? छोड़ दो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, जितना हो रहा आगे बढ़ो, उसको फिर से पढ़ना होगा. क्या है ये, क्या कहानी है भाई? यानी कि तीन तरह की वेवलेंथ डाल रहा है तो शायद थर्ड हो सकता है इसका स्टेट. थर्ड हो गया, वेरी गुड. मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स नीचे गिरते हैं तो कितने तरीके से नीचे गिर सकते हैं, ये मैंने बताया था पिछली क्लास में. n c2 n (n-1)/2 ये बताया था, याद करो. ये निकाला था ना यहाँ सर, आपने बताया था ये n(n-1)/2 यही तो काउंट किया था हम लोगों ने. ऐसा सर काउंट किया था, वो लिखवाया था फॉर्मूला, तो लिख लो उसको कहीं. n(n-1)/2 कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, समझ लो क्या है, समझ लो, इम्पोर्टेंट है. सुन लो, समझो बात को.
अगर तीन रेडिएशन, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, समझो बात को बच्चों, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है, मान लो ग्राउंड स्टेट में यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो उछल करके मान लो तीसरे में पहुंच गया, मान लो उछल करके तीसरे में पहुंच गया, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और यहाँ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पहुंच गया तीसरे में, n इज इक्वल टू वन से कहाँ पहुंच गया, जल्दी बोलो, n इज इक्वल टू थ्री में। तो ये जो एनर्जी निकालेगा वो कौन कौन से निकाल सकता है? अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ग्राउंड में, यही नहीं रुक जाएगा, इसका जो जो ग्राउंड स्टेट है वही ज्यादा स्टेबल स्टेट है, इलेक्ट्रॉन इसी ग्राउंड स्टेट में ही रहना पसंद करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेरी भले ही वहां पहुंच गए हो लेकिन फिर वापस आते हैं, तो वापस आएगा तो थर्ड से सेकंड में आए, सेकंड से फर्स्ट, और सेकंड से फर्स्ट सीढ़ियों पर जैसे उतरते हैं, या फिर थर्ड से सीधा आ जाए फर्स्ट में, बोलो। तो तीसरे लेवल से ग्राउंड लेवल में आने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। तो किसी भी एन लेवल से ग्राउंड लेवल में आने के कितने तरीके होते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ, ये होगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, याद रखो पहले nth लेवल से ग्राउंड लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतने कलर्स निकल सकते हैं, निकलेंगे नहीं, निकलेगा सारे नहीं निकलेंगे, जैसे इसमें मैक्सिमम कितने कलर निकल सकता है बताओ सर? दो मैक्सिमम भाई, या तो अकेला एक ही कलर निकला है, जैसे यहाँ सीधा जंप कर जाए थर्ड में से तो ये कलर निकल जाएगा, और या तो दो कलर्स निकलेंगे। अगर एक ही एटम है तो अगर बहुत सारे एटम्स हो तो हो सकता है उसमें से कुछ थ्री से फर्स्ट में आ रहे हो, नहीं समझे मेरी बात, थ्री से ग्राउंड में आ रहे हो, और कुछ तो अगर बहुत सारे एटम्स हैं तो उसमें तीनों कलर्स निकल रहे होंगे, मेरी बात समझे बच्चों? यस सर। सारे बच्चे समझ गए? यहां तक सारे बच्चे समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी बोलो सर। क्वेश्चन में एक चीज नहीं समझ में आई। हाँ क्या सर? आप उसमें क्वेश्चन में है कि वो अपने अपने वेवलेंथ के बराबर या उससे छोटी वेवलेंथ एमिट कर रहा है। हाँ हाँ। तो हाँ, सर छोटी वेवलेंथ एमिट करेगा तो एनर्जी तो ज्यादा एमिट होगी ना, जितना एब्जॉर्ब नहीं किया उससे। रुक जाओ, अभी वेट करो, हैव पेशेंस, अभी समझ जाओगे। ये बात समझे कि नहीं ये वाली बात? सारे बच्चे बताएं। अरे सारे बच्चे बोले भाई। यस सर। तो ये बताओ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, क्या उसके उसी एनर्जी के बराबर ये फोटोन एमिट कर पा रहा है? इस डायग्राम में देखो। अरे जब फर्स्ट से थर्ड में गया था तो इसके बराबर तो थ्री से वन में ये कर पा रहा है। यस सर। तो इसमें कितनी रेडिएशंस निकल रही हैं? कितनी रेडिएशन निकल रही है इसमें? तीन रेडिएशन निकल रही है, निकल रही कि नहीं? यस सर। और तीनों रेडिएशन की एनर्जी, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ ऑल रेडिएशंस आइदर लेस देन और इक्वल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, ये सही लिख रहा हूं कि नहीं? यस सर। जल्दी बोलो बच्चों। सही है सर। एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस जो एमिट हो रही है वो या तो कम है या इक्वल है एब्जॉर्ब, ये बात सही है कि नहीं बच्चों? बोलो जल्दी। सही है सर। तो अगर मैं E को एच सी बाई लंडा लिखूं तो 1/λ में इनवर्स हो जाएगा ना, अगर मैं लंडा की बात करूंगा तो एनर्जी का उल्टा होता है लंडा, नहीं समझे मेरी बात? E होता है एच सी बाई लंडा ना। यस सर। तो अगर मैं इसको लिख दू एच सी बाई लंडा एमिटेड लेस देन और इक्वल टू एच सी बाई लंडा एब्जॉर्ब, ये बात किसी को दिक्कत? नो सर। इसका मतलब जब उल्टा करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, मतलब जितनी वेवलेंथ लाइट के एमिट हो रही है वो या तो ज्यादा है या इक्वल है
एब्जॉर्ब्ड के, ये बात सब। हाँ तो इसीलिए तो सर यही मेरा पॉइंट। हाँ पेशेंस रखो सर, क्वेश्चन में लिखा है कि पेशेंस रखो, आईआईटी का क्वेश्चन है वो। क्या नाम है मयंक? अभी ये समझो पहले, ओके तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। ये सारे बच्चे समझे कि नहीं? अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो और थर्ड में जाए उछलकर, तो थर्ड से वो तीन तरीके के नीचे लाइट एमिट कर सकता है कि नहीं? यस सर। और इन तीनों तरीके के जो लाइट एमिटेड हैं, उनकी वेवलेंथ या तो ज्यादा है या इक्वल है एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स की वेवलेंथ से। ये इतनी बात समझ पाए सारे बच्चे कि नहीं? समझ गया सर। अरे सारे बच्चे बोले, जल्दी बोले भाई सारे बच्चे। अनमोल, देवस्तुति, राम, कृतिका, मंजीत, यस सर, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सुचिता, तहरीन, आदर्श, उमंग, उत्कर्ष, जल्दी बोलो यार, इसमें क्या कहानी है? मैंने पूरा तो बता दिया लिख करके। जल्दी डाउट पूछो, जल्दी पूछो डाउट। अरे यार सर, हाँ सर, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा सर कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं सर, वो क्वांटा ऑफ एनर्जी में रहेगा तब ना। पहले ये बताओ कि ये बात इसमें क्या डाउट है, इस पेज में डाउट पूछो। इस पेज में डाउट सर, इस पेज का डाउट पूछो। सर मुझे डाउट है। हाँ बोलो सर। यहाँ पे आपने कहा 3 रेडिएशंस, तो मतलब कोई भी एक एटम है, 3 मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशंस हो सकते हैं, होगा तो कोई एक ही पाथ ना, या तो दो वाला या तो एक वाला। एटम्स है ना बच्चे, इसमें देखो उसमें एटम्स लिखे होंगे, एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाँ ये सर ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है उस एटम में एक एटम ये दो लाइट निकाल रहा हो और दूसरा एटम तीसरी निकाल रहा है। ओके सर। अगर एक एटम होगा तब तो तीन लाइट निकल ही नहीं सकती, जैसे अगर तीसरे में आना, तीसरे से ग्राउंड में आना हो। लेकिन तीस एटम्स अगर हैं तो तीसरे से ग्राउंड में आने पर मैक्सिमम 3 रेडिएशन निकल सकते हैं। आप किसी को डाउट यहां तक इस पेज में, किसी को डाउट जल्दी बोलो सर। हाँ सर ये बताइए, एन और एन माइनस वन अपॉन टू ये क्या है? ये अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? पंकज। पंकज ये बताओ कि तुम अपने तीन दोस्तों के नाम लो, तीन दोस्तों के नाम। यस सर। नाम लो एक्स वाई जेड। नहीं 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 नाम बताओ, सही नाम बताओ। सही नाम बताएं, पिंटू, प्रदीप और पंकज। बहुत बढ़िया, पिंटू, प्रदीप और पंकज। यस सर। सब पी से है, वाह। और तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम ही पंकज। अच्छा ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि तुम इन तीनों में से किसी दो को अपने साथ पिक्चर दिखाने ले जा सकते हो, अलाउ कर रहा हूं मैं पीवीआर में। दो को? हाँ किसी दो को ले सकते हो। तो कितने तरीके से, कितने कितने किसको दो दो ले जाओगे, मतलब कितने पेयर बन सकते हैं मैक्सिमम? मतलब एक दिन दो को ले जाओगे तो मैक्सिमम कितनी पिक्चर देख सकते हो? मैंने कहा कि कितनी पिक्चर देख सकते हो मैक्सिमम एक दिन? प्रदीप को ले जाओ। यस सर। एक दिन प्रदीप और पंकज को ले जाओ। यस सर। और एक दिन पंकज और पिंटू को ले जाओ। यस सर। तीन पिक्चर दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। यस सर। यस सर। बस तीन, तीन ही देख सकते हो। यस सर। अब इसमें चौथे का नाम और जोड़ो, एक और, एक और किसी बताओ। एक और बताए, चलो अनुराग बता दो। अनुराग सर, पनालाल। इसे बताओ, इसे तुम उसी मजा लेने लगे, ये समझो तो पहले यार। तुम दूसरे कहानी चले गए, नाम में क्या है? तो चार लोग हो गए मान लो, अब बताओ अब तुम क्या जान सकते हो, मैं तुम कितना मैक्सिमम पिक्चर देख सकते हो, कितनी मूवीज देख सकते हो? एक दो इसके साथ तीन चार पांच पिक्चर हो जाए, पांच छह हो जाएगा। और सोचो, दो तीन इसके साथ चार, मैक्सिमम पिक्चर देखना है। और कोई है क्या इसमें बन सकता है? यही है, छह पिक्चर आ जाएंगे। चार में से दो दो को तुम
इसमें सेलेक्ट कर रहे हो ना, यस सर, तो छह तरीके से तुमने सेलेक्ट कर लिया कि नहीं, यस सर, तो यही है वो कि चार एन इंटू एन माइनस वन, चार में से घटाओ और दो से भाग दे दो, इतने तरीके से पिक्चर देख सकते हो, फॉर्मूला है इसी बात का। अच्छा बस बस समझ में आ गया सर, आ गया। तो छह बूबू देख सकते मतलब फार्मूला इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा बिल्कुल। हो। हाँ, तुम जैसे एनर्जी लेवल्स हैं तो एनर्जी यस लेवल में इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जा सकता है, सर, तो तीन में से दो दो के कितने पेयर बन सकते हैं, युग्म बन सकते हैं, उसको यस सर, निकालने का ये फॉर्मूला है। एन में से दो दो के कितने पेयर बन सकते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला है। यस सर, यस सर, समझ में आ गया, समझ गए? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब इसकी मयंक की जो दिक्कत है वो समझते हैं। मयंक, मयंक कहाँ गया? यस यस देखो भाई, तुम्हारी क्या दिक्कत है समझते हैं। अच्छा ये बताओ पंकज, यस सर, मयंक मयंक मयंक, हाँ सर, ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहले से ही स्टे स्टेट में रहा हो इसमें, हाँ और ये एनर्जी लेकर के और थर्ड में आ गया हो, थर्ड में ऐसे आ गया। हाँ ठीक, अब थर्ड से नीचे आएगा ये, तो कितने तरीके से आ सकता है, अब समझिए, समझ गए? तो ये थर्ड से सेकंड में आ सकता है, सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है, हाँ आप ये समझ गए थर्ड भाई, से हमें नीचे। हमको भी लगा। तो अब देखो, एनर्जी जितना इसने लिया और जो निकली एनर्जी, तो ज्यादा एनर्जी निकली कि नहीं दो बार? अरे बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं? इस वाले केस में देखो, एनर्जी एमिटेड, एनर्जी जो रेडिएशन के एमिटेड है वो या तो ज्यादा है या इक्वल है एनर्जी अब्सॉर्ब से। ये बात समझ पा रहे हो बच्चों की नहीं? अरे सारे चले गए क्या? समझ क्यों नहीं गया, है? हाँ समझ गया, इतनी बढ़िया बात चल रही है यार, कैसे समझे कि नहीं? ये भाई, गया सर, एनर्जी यहां से यहां जाने के लिए इसके गैप के बराबर एनर्जी लेगा, इसके गैप के बराबर, तो यस सर, सिक्सटी गैप के बराबर एनर्जी लेगा। मान लो 68 लिया, कितना लिया? 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एट बोलो। तो जब वापस आएगा तो 68 की निकाले और फिर एक निकाले, नहीं समझे बात? दोनों में इक्वल होगा तो सर, जैसे यहाँ पर पहले में 68 होगा, फिर जो हाँ दूसरे में आएगा सेकंड से फर्स्ट में आएगा, फिर भी हाँ 68 लेगा, यहाँ 68 से ज्यादा निकालेगा ना, वही ज्यादा निकालेगा ज्यादा निकालेगा। और सर, थर्ड से अगर ग्राउंड में आया तो बहुत ज्यादा निकालेगा। बहुत ज्यादा निकालेगा सर। तो क्या इस वाले अरेंजमेंट में, यहाँ पर जो तुम्हें पिक्चर दिख रही है इस चित्र में, क्या एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब से कम भी है कहीं, नहीं, या तो बराबर है या ज्यादा है? ज्यादा है सर, तो अगर इसमें उल्टा करेंगे एच सी बाई लेमडा, तो यहाँ लेमडा एमिटेड जो होगा ना, लेमडा एमिटेड ये कम होगा या बराबर होगा लेमडा एब्जॉर्ब? ये बात समझ पाए कि नहीं बच्चों? लैम्डा करके उल्टा हो जाता है, जो एनर्जी में इनइक्वालिटी बनती है यहाँ पर, वो लैम्डा के लिए उल्टा हो जाता है। यहां तक सारे बच्चे समझ पाए कि नहीं? समझ और यही हो रहा है इस क्वेश्चन में। गए सर, समझ गए, इस क्वेश्चन में जो भी एटम्स हैं वो किसमें हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही किसमें हैं, सेकेंड में है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो उल्टा हो गया था। फर्स्ट वाले अगर ग्राउंड से थर्ड में जाते, मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों की नहीं? अगर ग्राउंड से थर्ड में जाते तो जो वेवलेंथ निकलती वो ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है। और क्वेश्चन में हमारे क्या है कि जो वेवलेंथ निकल रही है वो या तो कम है या बराबर है। तो वेवलेंथ जो निकल रही है वो कम हो या बराबर हो, इसके लिए जरूरी क्या है? अच्छा ये तो पक्का है कि तीसरे में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है उछल करके, क्योंकि तो तीन यस रेडिएशन निकल रही है, क्यों नहीं बच्चों? सर, यस सर, ये रिकॉर्डिंग ऑन है आदित्य? यस सर, यस सर, ऑन है सर। तो
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो पक्का हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन उछल कर पहुंचा वो तीसरे में पहुंचा, क्योंकि तीन लाइट निकल रही है। यस अब सर, कहां से उछला था? द सेकंड वन वन। टू से थ्री में गया था। तो इस क्वेश्चन को मैं समझ गया, इस क्वेश्चन से ये मैं समझ गया कि जो N1 स्टेट था, इनिशियल स्टेट था इलेक्ट्रॉन का, वो टू था और उछल कर कहां पहुंचे? थ्री में। यस सर, थ्री में। हाँ तो अब क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया हमें। क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं गया? क्वेश्चन आंसर क्या था? पहला पार्ट क्या था? क्या निकालना था हमें? यस सर, मिल गया मिल गया। किस एक्साइटेड स्टेट में थे? तो क्या आंसर होगा? थर्ड नहीं, सेकंड एक्साइटेड, किस एक्साइटेड स्टेट में थे या किस ऑर्बिट में थे? सेकंड सेकंड स्टेट स्टेट सेकंड ऑर्बिट इनिशियल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इनिशियल इनिशियल फर्स्ट फर्स्ट एक्साइटेड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड ऑर्बिट को। यस सर, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में थे। कहाँ पहुंच गए? सेकंड एक्साइटेड स्टेट सेकंड में। एक्साइटेड स्टेट में। यस सर, और कितने एनर्जी लिया उन्होंने? 68 इलेक्ट्रॉन सिक्सटी वोल्ट। एट कितने? इलेक्ट्रॉन आप वोल्ट, देखो, सिक्सटी एट डेल्टा ई होता है, इलेक्ट्रॉन। डेल्टा ई होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 1/N1² - 1/N2². यस सर, अब मैं एटम निकालने जा रहा हूं। 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, 13.6 जेड मुझे निकालना है, कौन सा एटम है, किसमें पहुंच गए, कहां से पहुंचे? 1/4 - 1/9। अरे, यस सर, तो 68 यस सर, बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 36 × 5। सर सिक्स आएगा इसका आंसर, तो जेड स्क्वायर कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, जेड सिक्स आएगा सर। एग्जैक्ट आ जाना चाहिए। यस सर, एग्जैक्ट सिक्स, फाइव ये 13 का कोई मल्टीपल है क्या? पांच है फाइव, क्या? तो सिक्स आएगा, सिक्स आएगा ये सर। 13 का 5 गुना है, तो जेड स्क्वायर ये यस सर, 5 से 5 कट गया, जेड स्क्वायर 36 आ गया, तो जेड इज इक्वल टू 6 आ गया। तो कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो? कार्बन। कार्बन। तो ये जो एटम था, ये कौन सा एटम मिला मुझे? कार्बन कार्बन, प्लस 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 प्लस, ये सर एग्जिस्ट करता है क्या? अरे पता नहीं, ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए ना सर, सर, इसमें इंटरेस्ट नहीं हमारा। हमारा इंटरेस्ट था ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ गए सर। सर? बच्चे समझ गए? यस सर, अभी IIT एडवांस का क्वेश्चन था। सर हम वहां पे 68.6 ले लिए थे सर, तो वो मल्टीपल में आ ही नहीं रहा था, वही हम आपसे पूछे कि सर मल्टीपल में है कि नहीं, लेगा कि नहीं, अच्छा, यही गलत हो वेरी गया था सर। गुड। तो ये कुछ बच्चे समझ पाए कि नहीं तुम लोग यार? समझ गए सर, बढ़िया क्वेश्चन था। यस तो सर, बाकी तो तुम्हारे में कंप्लीट है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या नीट की या जेई मेन की, उनके लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये कंप्लीट है अभी तक का। इसमें एक एटॉमिक कोलिजन है जो कि जरूरत नहीं तुम लोगों को, वो बोर्ड वालों को, जो उसको IIT वालों को पढ़ाऊंगा तो पढ़ना होगा, तो लेक्चर में भेज दूंगा, वीडियो लेक्चर देख लेना। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? वो यस और भी बढ़िया सर, कंसेप्ट है, एटॉमिक कोलिजन एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, लेकिन वो अभी तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। अब हम लोग एक्सरेज या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लेंगे, बस एक्सरेज पढ़ लेंगे, न्यूक्लियर के बाद एक्सरेज पढ़ेंगे, ठीक है? सर, बोर्स के ड्रॉबैक्स सुन लो क्या है। मैंने बता दिया, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे। हाँ, स्टार्क और जीमन इफेक्ट। और इन्होंने जानते क्या किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, रिलेटिविटी का यूज नहीं किया था। नहीं समझे? नहीं सर, मास जो है ना, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं? लगभग 2.6, 2.2 × 10⁻⁶। इतने से रिवॉल्व कर रहे हैं, इतने पर तो किसी का मास बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा है कि चलता फिरता मास रुके हुए मास से बहुत अलग होता है।
सर फोटोन का केस है, रेस्ट मास जीरो है। नहीं समझे ये? यस सर, यस सर। तब तो फोटोन का सर मास बहुत ज्यादा होगा। हाँ, वो उसका रेस्ट मास ही जीरो है। रेस्ट मास जीरो है। अच्छा, कैसे ज्यादा हो पाएगा? ठीक है सर। अगर कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तो पूरे ब्रह्मांड का मास, तब मास उसका इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तब तो पूरे ब्रह्मांड का मास उसी में आ जाना चाहिए। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, इवन इक्वल देन स्पीड ऑफ लाइट, अदर देन लाइट। कोई भी पार्टिकल जिसका रेस्ट मास हो, अगर किसी का मास है तो वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो इतने स्पीड पर तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी काम करने लगेगी। अरे बहुत ज्यादा स्पीड है। यस सर। तो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के अप्रोच को उन्होंने नहीं कंसीडर किया था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, वो पहले थे सर, उसके पहले ही तो आए थे ये। यस सर। तो ये भी एक ड्रॉबैक था सर, यानी कि वेलोसिटी सही नहीं थी। हाँ, ये जो वेलोसिटी थी ये सही नहीं थी। नहीं, अप्रोक्सीमेट कहाँ सही थी, लगभग चीजें थी, बाकी तो अब तो सब वेव नेचर है, कुछ पता ही नहीं कि पार्टिकल है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता। सर इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन की और ये भी हो सकता है गलत हो। हाँ नहीं, लेकिन आगे सोचने का फाउंडेशन मिला ना। जैसे यस सर, किसी की कमी निकालोगे तो उसकी कमी निकालने के लिए पढ़ोगे ना। यस सर, इसलिए ये फाउंडेशन है। चलो ठीक है बच्चों, अब आप लोग जा सकते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ये सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, काफी मोर देन सफिशिएंट। सर बाकी जो लेक्चर्स हैं पुराने वो चाहिए थे तो कब आए बता दीजिए आप। चलो अभी बताता हूँ अभी, है ना। okay, कल रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर। कल तुम लोग आओगे ना इंजीनियरिंग वाले? यस सर। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। अच्छा एक मिनट। हाँ।